गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने मोरल में चैप्टर नंबर 3 पूरा रीड कर लिया था। आज हम उस चैप्टर की क्या करेंगे? एक्सरसाइज। तो जल्दी से आप लोग भी अपनी अपनी मोरल की बुक ओपन कर लीजिए और मेरे साथ आप लोग भी अपनी अपनी बुक फिल करिए। ओके, चलिए। आपको पता है ना, हमें मोरल का काम नोटबुक पे नहीं करना। ओके, चलिए अब एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, पढ़िए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने नहीं हैं, आपको इन प्रश्नों के उत्तर लर्न करने हैं। ठीक, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, चाणक्य किसके गुरु और प्रधानमंत्री था? चाणक्य किसका गुरु और प्रधानमंत्री था? बताइए, चाणक्य किसका गुरु और प्रधानमंत्री था? बोलिए, चाणक्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री थे। चाणक्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, भारत के इतिहास में किसका अपना अलग स्थान है? भारत के इतिहास में किसका अपना अलग स्थान है? बताइए इसका क्या आंसर होगा। भारत के इतिहास में किसका अपना अलग स्थान है? भारत के इतिहास में चाणक्य का अपना अलग स्थान है। आंसर क्या होगा? भारत के इतिहास में चाणक्य का अपना अलग स्थान है। ठीक, आगे बढ़े। चलिए, चाणक्य का स्वभाव कैसा था? चाणक्य का स्वभाव कैसा था? बताइए इसका आंसर क्या होगा। चाणक्य का स्वभाव सामाजिक जीवन में कठोर हृदय वाला था और व्यक्तिगत जीवन में फूल के समान कोमल और सरस हृदय वाला था। ठीक, एक बार फिर से बोलती हूँ मैं, चाणक्य का स्वभाव सामाजिक जीवन में कठोर हृदय वाला था और व्यक्तिगत जीवन में चाणक्य का स्वभाव कैसा था? व्यक्तिगत जीवन में चाणक्य का स्वभाव फूल के समान कोमल और सरस हृदय वाला था। ओके, तो आपके क्वेश्चन नंबर का ख ग ये तीनों कंप्लीट हो गए। अब आगे बढ़े। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर घ, अधिकार पाकर लोग किसकी उपेक्षा करने लगते हैं? क्वेश्चन क्या है, अधिकार पाकर लोग किसकी उपेक्षा करने लगते हैं? आंसर क्या होगा, अधिकार पाकर लोग अपने सगे संबंधियों की उपेक्षा करने लगते हैं। अधिकार पाकर लोग किसकी उपेक्षा करने लगते हैं? अधिकार पाकर लोग अपने सगे संबंधी की उपेक्षा करने लगते हैं। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, बालक ने अपने सामने के दोनों दांतों को क्यों तोड़ दिया? बालक ने अपने सामने के दोनों दांतों को क्यों तोड़ दिया? कल हमने चैप्टर पढ़ा था तो उसमें क्या हुआ था, जो बालक के सामने के दोनों दांत थे वो उसके कैसे थे? चाणक्य की माँ ने उनको बताया था ना, क्या बताया था, कि उनके दोनों दांतों को देखने से पता चलता है कि तुम राजसुख का भोग करोगे। शास्त्रों में लिखा है कि ऐसे दांतों वाला मनुष्य राजा बनेगा। ठीक, अगर तुम राजा बनोगे तो तुम मेरे जो प्रेम है तुम मुझे भूल जाओगे, है ना, तुम मुझको पूछोगे भी नहीं,
तो इसलिए चाणक्य की माँ रो रही थी। तो चाणक्य ने क्या किया, अपने दोनों दांतों को तोड़ दिया। और क्या बोलते हैं चाणक्य अपनी माँ से कि माँ अब मेरे दांत टूट गए, तो अब मैं राजा नहीं बनूंगा, है ना। तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे, क्या लर्न करोगे? बालक ने अपने सामने के दोनों दांतों को इसलिए तोड़ दिया क्योंकि उनके दोनों दांतों से ये पता चलता था कि वह मनुष्य, वह राजा बनेंगे। ठीक, क्या है इसका आंसर? बालक ने अपने सामने के दोनों दांतों को इसलिए तोड़ दिया क्योंकि उनके सामने के दोनों दांतों से ये पता चलता था कि वह राजा बनेंगे, और उनके राजा बनने से उनकी माँ खुश नहीं थी, है ना। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, चाणक्य का खंड दंत नाम कैसे पड़ा? क्या है क्वेश्चन? चाणक्य का खंड दंत नाम कैसे पड़ा, कैसे पड़ा बताइए? क्योंकि चाणक्य ने अपने दोनों दांतों को तोड़ दिया था ना, सामने वाले दोनों दांतों को तोड़ दिया था ना, तो चाणक्य का नाम खंडंत पड़ गया। खंडंत का क्या मतलब? तो खंड दंत का क्या मतलब होता है? खंड दंत का मतलब होता है कि टूटे दांत वाला। ठीक, समझ में आया आपको फर्स्ट क्वेश्चन? आगे बढ़े, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों द्वारा कीजिए। तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं, और आपके पास यहाँ पर एक हेल्प बॉक्स भी दे रखा है, तो आपको यहाँ से आंसर मिल सकते हैं। तो आप देखिए कि इन सारे शब्दों में से कौन सा आंसर आपका यहाँ पर आएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बालक चाणक्य को देखकर माता के नेत्रों में छलक आए। बालक चाणक्य को देखकर माता के नेत्रों में छलक आए। क्या छलक आए? बुद्धिमान, राजछत्र, आंसू, मूल्यवान, ममता, सामाजिक। बालक चाणक्य को देखकर माता के नेत्रों में क्या छलक आए? आंसू। तो आंसर क्या आएगा? आंसू। ठीक, अब देखिए सेकंड, वह बहुत ब्लैंक और चतुर था। वह बहुत ब्लैंक और चतुर था। चाणक्य क्या क्या थे? चतुर और, बोलिए क्या आएगा इसमें से आंसर? बुद्धिमान। तो वह बहुत बुद्धिमान और चतुर थे। तो आपके इन हेल्प बॉक्स में से ये जो बुद्धिमान और आंसू थे वो आपके आ चुके। अब आपके क्या बचे हैं? राजछत्र, मूल्यवान, ममता, सामाजिक। अब देखिए कौन कौन से आते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। तेरे भाग्य में ब्लैंक धारण करना लिखा है। तेरे भाग्य में ब्लैंक धारण करना लिखा है। क्या लिखा है तेरे भाग्य में बताइए? कौन कौन से बचे हैं आपके पास? राजछत्र, मूल्यवान, ममता, सामाजिक। क्या आएगा आंसर? तेरे भाग्य में राजछत्र लिखा है। राजछत्र का मतलब कि तू आने वाले भाग्य में क्या बन सकता है? राजा बन सकता है। ठीक, अब देखिए ब्लैंक जीवन में चाणक्य कठोर हृदय वाले थे। तो आपका ये भी हो गया। अब आपके पास बचते हैं 3, मूल्यवान, ममता, सामाजिक। अब मुझे बताइए कौन से जीवन में चाणक्य कठोर हृदय वाले थे? कौन से जीवन में? सामाजिक जीवन में। तो सामाजिक भी आ गया। सामाजिक जीवन में चाणक्य कठोर हृदय वाले थे। आप लोग मेरे साथ फिल कर, आप लोग अपनी अपनी बुक मेरे साथ फिल करते जा रहे हो ना। जैसे जैसे मैं फिल कर रही हूँ आप लोग भी अपनी अपनी बुक फिल कर लीजिए। ठीक, अब आपके पास कौन से वर्ड्स बचते हैं? मूल्यवान और ममता। आपके पास एक ही
फिलअप बचा है, तो इसमें दोनों शब्द आएंगे। तो देखिए, माँ की ब्लैंक इन दोनों दांतों से अधिक ब्लैंक नहीं है। क्या आएगा? माँ की ममता इन दोनों दांतों से अधिक मूल्यवान नहीं है। ठीक, तो आंसू बुद्धिमान, राजछत्र सामाजिक, ममता और मूल्यवान, ये सारे शब्द आपके फिल हो गए। तो आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आगे बढ़े, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाइए। तो ये हैं आपके राइट रॉन्ग। जो आपको राइट लग रहा है वहाँ आप राइट का साइन लगाइए, और जो क्वेश्चन आपको रॉन्ग लग रहा है आप उसके सामने रॉन्ग का साइन लगाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? चाणक्य बुद्धिमान नहीं था। चाणक्य बुद्धिमान नहीं था, ये वाक्य सही है या गलत बताइए। चाणक्य बुद्धिमान थे या नहीं थे? चाणक्य बुद्धिमान थे, तो ये वाक्य गलत है। तो आप क्या कर दोगे? गलत का साइन लगा दोगे। ठीक, नेक्स्ट पढ़े, चलिए। विपक्षी को क्षमा करना तो चाणक्य जानता ही नहीं था। विपक्षी को क्षमा करना चाणक्य जानते ही नहीं थे, क्या ये वाक्य सही है या गलत बताइए। क्या ये वाक्य सही है? हाँ, चाणक्य विपक्षी को क्षमा करना तो जानते ही नहीं थे। तो आप यहाँ पर राइट का सही का निशान लगा दोगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3। अधिकार पाकर लोग अपने सगे संबंधियों की उपेक्षा करने लगते हैं। ये तो अभी हमने पढ़ा है क्वेश्चन आंसर में। अधिकार पाकर लोग किसकी उपेक्षा करने लगते हैं? अधिकार पाकर लोग सगे संबंधियों की उपेक्षा करने लगते हैं, तो ये वाक्य सही है। आप यहाँ पर सही का निशान लगा दीजिए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। चाणक्य का दूसरा नाम खंडन था, बताइए। चाणक्य का दूसरा नाम खंडदंत था, अभी पढ़ाए आपने ऊपर, आपको याद है? चाणक्य का दूसरा नाम खंडदंत था, हाँ, तो ये वाक्य भी सही है। आप यहाँ पर सही का निशान लगा दीजिए। आगे देखिए क्या लिखा है। माँ ने पुत्र को अपने प्यार के आंसुओं से नहला दिया। चाणक्य की जो माँ थी उन्होंने अपने पुत्र को प्यार के आंसुओं से नहला दिया था। बोलिए, जब चाणक्य ने अपने सामने के दोनों दांतों को तोड़ दिया था और अपनी माँ के पास आकर बोले थे कि लो माँ, मैंने अपने दोनों दांतों को तोड़ दिया, अब मैं राजा नहीं बनूंगा, तो ये सारी बातें सुनकर माँ ने अपने पुत्रों को अपने प्यार के आंसुओं से नहला दिया, तो ये वाक्य सही है। आप यहाँ पर भी सही का निशान लगा दीजिए। ठीक, तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। तो देखिए क्या है। एक शब्द में उत्तर दीजिए, एक शब्द में उत्तर दीजिए, तो ये हैं आपके वन वर्ड क्वेश्चन। ठीक, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो क्या है? चाणक्य के गुरु कौन थे? चाणक्य के गुरु कौन थे? ये क्वेश्चन गलत है। ये क्वेश्चन आपकी जो बुक में लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है। सही है आपका, चाणक्य किसके गुरु थे? चाणक्य किसके गुरु थे? तो आप लोग अपनी अपनी बुक में सही कर लीजिए। ये क्वेश्चन आप लोग अपनी अपनी बुक में सही करिए। क्या करेंगे? चाणक्य तो लिखा रहने दीजिए, के को कट कर किसके लिख लीजिए और कौन को भी कट कर दीजिए, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा चाणक्य किसके गुरु थे। ये तो आपको पता है कि चाणक्य किसके गुरु थे, अभी हमने पढ़ाए क्वेश्चन आंसर में, पढ़ा था ना चाणक्य किसके गुरु थे? चाणक्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। तो आपको वन वर्ड में आंसर देना है, तो क्या लिखोगे आप? सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, आगे बढ़ूं, चलिए। बालक चाणक्य किसकी गोद में खेलकर बड़ा हुआ? जो बालक चाणक्य थे वो किसकी गोद में खेलकर बड़ा हुआ?
बताइए, बोलिए। माता पिता की गोद में खेलकर बड़े हुए, तो आंसर क्या आएगा? माता पिता। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? चाणक्य अपने समय के क्या माने जाते थे? चाणक्य अपने समय के क्या माने जाते थे? बोलिए। चाणक्य अपने समय के लौह पुरुष माने जाते थे। क्या माने जाते थे? बोलिए, लौह पुरुष। ठीक, अब देखिए क्या लिखा है। बालक ने अपने दोनों दांत किससे तोड़े? बालक ने अपने दोनों दांत किससे तोड़े? पत्थर से। तो इसका आंसर क्या होगा? पत्थर। बालक ने अपने दोनों दांत पत्थर से तोड़े। ठीक, लास्ट, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? अब तो ये लर्न हो गया होगा आपको कि चाणक्य का दूसरा नाम क्या था, क्योंकि आप पहले भी पढ़ चुके हो ना कि चाणक्य का दूसरा नाम क्या था। देखिए, अभी पढ़ा है आपने, क्या लिखा है? खंडदंत। चाणक्य का दूसरा नाम खंडदंत था, तो आपका यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? खंडदंत। ठीक, क्लियर। तो आज आपको जितना मैंने पढ़ाया आपको सब समझ में आया। आज हमने क्या किया? आज हमने चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज को सॉल्व किया। तो आपको होमवर्क में क्या करना है? आपको होमवर्क में अपनी बुक में ये सारे क्वेश्चंस फिल करने हैं। ओके, चलिए मैं आपको कल मिलूँगी। गुड बाय।